नमस्कार, मैं रजनीश आप सभी का इस छोटी सी लेकिन एक बहुत ही खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ रहा था। उस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि ये न्यूज़ आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक से, जिस टॉपिक का वो न्यूज़ था ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इस चैनल पर कई सारी जो वीडियोज़ हैं वो पिछले कई सालों से अपलोड होती आ रही है और आप लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। कई बार मैं तारीफ़ कर देता हूँ बहुत, कई बार मैं बुराई भी कर देता हूँ, बट उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो तो अपलोड होती आ रही हैं। तो मुझे लगा कि जब इतनी सारी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर उसके बारे में कोई अच्छी खबर मार्केट में निकल के आई है तो वो भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर होनी चाहिए। तो इसलिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। और अब वो न्यूज़ क्या है वो जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ जो भी आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, आराम से दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। चलिए जी, ये काम आप ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप ये काम कर देंगे तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। भाई देखिए, आपके लिए तो फ्री है, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, बट इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। चलिए तो अब आते हैं ज़रा न्यूज़ की तरफ। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है LIC, जिसके पास पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो लगभग 59% के आसपास का मार्केट शेयर है। इसके साथ ही साथ हमारे देश की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि इसे दुनिया की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, जो ब्रांड है, वो इसको जो उसका जो खिताब है वो इसको दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC, उसका रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ है, और उस डेटा के अनुसार LIC के जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का जो फिगर है वो कुछ $616 बिलियन के लगभग का है। मतलब कि LIC इतने पैसे मैनेज करती है। अभी जो $616 बिलियन है, इसे अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ 51 लाख करोड़ रुपए के लगभग का बैठता है। मतलब 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ये मैनेज कर रहा है इस टाइम पे। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इस बात का जो अंदाज़ा है ना, वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान की टोटल GDP है वो कुछ $338 बिलियन के लगभग की है। मतलब कि अकेले हमारे देश की एक इंश्योरेंस कंपनी के पास पाकिस्तान की टोटल GDP से लगभग दो गुना पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को दो बार खरीद के बेच सकती है, मतलब ऐसा हिसाब किताब है। अच्छा, पाकिस्तान तो चलो एक बेकार सा देश है, गरीब देश है, बड़ी सारी परेशानियां हैं उसमें, तो उससे कंपैरिजन छोड़ते हैं और थोड़े से अच्छे जो पड़ोसी देश है हमारे उसकी तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, जो कि काफ़ी मतलब डेवलपमेंट के मामले में सुर्खियों में बना रहता है। तो उसकी GDP देखते हैं कितनी है। उसकी भी जो GDP है वो कुछ $455 बिलियन के आसपास की है, जो कि अगेन LIC के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। ये जो डिफरेंस है कोई 10-20 बिलियन डॉलर का नहीं है, $150 बिलियन के लगभग का है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है। उसके बाद फिर श्रीलंका और नेपाल की तरफ जाएंगे तो क्या ही कहना, उन दोनों का तो और भी बुरा हाल है। मतलब इनफैक्ट ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ श्रीलंका को मिला दें, श्रीलंका के साथ नेपाल को मिला दें, इन तीनों का जो कम्बाइंड GDP बनेगा ना, वो भी LIC के टोटल एसेट से काफ़ी ज़्यादा कम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कुछ जो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर उनकी तरफ भी जाएं, जैसे सिंगापुर हो गया, तो उसका भी जो टोटल GDP है वो कुछ $525 बिलियन के आसपास का है, जो कि अगेन LIC से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। फिर इसके बाद अगर आप कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं, जैसे कि डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, तो इनका भी बहुत कम है। डेनमार्क का 409 के आसपास है और फिनलैंड का $308 बिलियन के लगभग का है। तो आप देख सकते हैं कि एक लौते LIC के पास मतलब कितना ज़्यादा पैसा है, कि कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कई सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इस कंपनी के पास अकेले इतना पैसा पड़ा हुआ है कि ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को भी खरीद सकती है, ये कुछ जो डेवलप्ड एशियन कंट्रीज़ हैं उनको भी खरीद सकती है। हमारे आस पड़ोस का तो क्या ही कहना। इसके साथ ही साथ अगर आप IMF की साइट पे जाएंगे और वहाँ पे कंट्रीज़ के जो GDP के वाले डेटा होते हैं अगर आप उनको देखेंगे, तो आपको आराम से 20-25 देश तो ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनकी टोटल GDP LIC के टोटल एसेट से काफ़ी आपको कम नज़र आएगी। तो इस डेटा से ना एक चीज़ जो समझ आती है वो ये कि अगर हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हैं ना, अगर वो अच्छे से काम करें, फुल पोटेंशियल पे काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँच सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो सरकारी कंपनियों का हाल रहा है वो बहुत बेकार रहा है। LIC
ने मतलब सोचिए 80-90 के दशक से ही अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, और उस टाइम पे तो बाकी सरकारी कंपनियां किस हाल में थी वो तो आप जानते हैं, एयर इंडिया को रिसेंटली जो है वो बेचना पड़ गया। तो बाकी जो सरकारी कंपनियां हैं ना उनको सीखना चाहिए LIC से कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करके ग्रो किया जाता है। हालांकि अब कुछ हालात ज़रूर सुधरे हैं, काफ़ी सारी अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, बट अब तो वक्त ही बताएगा आगे चल के कि वो कंपनियां किस तरीके से फ्यूचर में परफॉर्म करती हैं। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी के साथ मुझे इस वीडियो के ज़रिए शेयर करना था, क्योंकि इस चैनल पर LIC के जो बहुत सारे प्लान्स हैं उनकी वीडियोज़ अपलोड हो रखी हैं, कुछ में मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, कुछ में मैं बुराई कर रहा हूँ, बट अपलोड तो हो रखी है, जिनमें कुछ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं LIC मनी उपाय करके, तो आपको बहुत सारे जो हमारे वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें। तो क्योंकि काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड होती रहती है चैनल पर, तो मुझे लगा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी है जिसके इंश्योरेंस प्लान्स की जानकारी आप इस चैनल के ज़रिए लेते रहते हैं, तो एक्चुअली में ये कंपनी कितनी बड़ी है। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये कंपनी साइज में काफ़ी बड़ी है, बट एक्चुअली में कितनी बड़ी है ये टारगेट था इस वीडियो के ज़रिए मेरा बताने का। चलिए तो बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, कोई बहुत ज़्यादा बातें मतलब बताने को थी नहीं, एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।